अस्सलामुअलैकुम, क्लास सिक्स स्टूडेंट बेटा, ये वर्क आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ये आपका अप्रैल का वर्क है और इसका मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें आपको मैंने क्लास वर्क में आपको मैंने समझा दी थी। स्टूडेंट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में आपको प्रूफ और फिलिंग द ब्लैंक्स क्लास वर्क में करवाई थी और ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कुछ डायग्राम है, इसके अंदर आपको सिर्फ नेम मेंशन करना है ऑफ द शेप विडो नेम द प्लेन्स इन ईच केसेस। आपको ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है बेटा, इनके आपको 1 बाय 1 जितने भी इसमें अब आप जैसे फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पे जो है आप देखिए ये जो है ट्राई एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ए बी सी एक ट्राई एंगल बन सकता है, ठीक है। ए बी डी ये दूसरा ट्राई एंगल बन गया, सही है। ए सी डी ये भी एक ट्राई एंगल, तो इस तरह से ट्राई एंगल बना के आपको ये डायग्राम एक ही बनेगी। इसके सिर्फ आपको नेम इसके अंदर लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है, ये मैंने प्लानर में आपकी बुक में ये डायग्राम ड्रॉ की हुई है और ये जैसे ए बी सी डी, अब आप ये देखिए आपका ये हो गया ए बी सी डी, ये पूरा एक जो है आपके पास एक पूरा शेप बन गया है, ठीक है। तो इनके आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, तो जितने शेप बन रहे हैं उन सबके आपको नाम लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ए बी डी भी आपका एक शेप बन सकता है, ए बी डी, यानी कि ये चीज़ें अगर आप स्किप कर दें तो ये एक डायग्राम आपकी ट्राइंगल की ये बन जाएगी ए बी डी, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा बी सी डी, बी सी डी ये देखिए बी सी डी, अगर आप इसको स्किप करेंगे तो एक आपकी ये डायग्राम इसमें बन जाएगी, यानी कि इस प्लान में आपके पास जितनी भी डायग्राम पॉसिबल हैं वो बनेंगी और उनके आपको सिर्फ नाम लिखना है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके नेम लिखना है। इसी तरह से सेकंड वाले में देखिए स्टूडेंट, सेकंड वाले में हमारे पास ए बी सी, अब आप ये देखिए आपके पास है ए बी सी, ये अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। इसमें जितने भी आपके पास वर्ड दिए हुए हैं उनके ज़रिए आपको डायग्राम जो है उनके सिर्फ नाम आपको लिखने हैं। इसके अंदर डी ई एफ ये आ गया आपका डी ई और ये हो गया एफ, ये देखिए अगर आप ये स्किप करेंगे तो ये एक डायग्राम आपकी बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से थर्ड वन जो है हमारे पास, उसमें भी जो है सिर्फ आपको नेम जो है वो आपको ड्रॉ लिखने हैं और ये तमाम डायग्राम जो है बेटा इंटरलीफ पेज पे करना है। ज्योमेट्री का वर्क है आपका मंथ ऑफ अप्रैल का। सबसे पहले आप जो है वो ट्रू फॉल्स जो मैंने आपको क्लास वर्क में करवाए थे वो फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद आप ये वर्क स्टार्ट करेंगे। तमाम डायग्राम जो हैं आपको इंटरलीफ पेज पे बनानी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, नेम द फॉलोइंग, इन सब के आपको नेम लिखने हैं, ये ड्रॉ करेंगे डायग्राम और आप नेम लिख। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास जो उसमें मैंने अभी आपको पहले जो डायग्राम दिखाई थी उसके अंदर आपके पास लाइन ए बी थी, दोनों तरफ एरो था, तो आपने सिर्फ इसको नेम लिखने हैं लाइन ए बी। अब आपके पास सेकेंड थी रे ए बी, फिर रे बी ए और फिर लाइन सेगमेंट ए बी, सिर्फ आपको इसमें लाइन ड्रॉ करके लाइन आपको इंटरलीफ पेज पे बनाएंगे और इन सब के नाम जो हैं वो आप लाइन वाले पेज पे लिखेंगे। स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, ठीक है। कितने पॉइंट होते हैं, इनफिनाइट, यानी कि एक लाइन में आप बहुत सारे पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो इसका ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ये देखिए बेटा, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन, इनफिनाइट। हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट, कितने आप जो गिवन पॉइंट हैं आप जो हैं कितने पॉइंट्स पे बना सकते हैं, कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी इनफिनाइट है, सिर्फ आपको 1 वर्ड इसका आंसर लिखना है। हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू गिवन पॉइंट, इसका मतलब है कि 2 गिवन पॉइंट के दरमियान आप कितनी लाइन बना सकते हैं, तो जब आप 2 पॉइंट को आपस में मिलाएंगे बेटा तो एक ही लाइन जो है वो बनेगी। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन आपका, इसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे।
Name the line segment rays and line in the figure below. ये एक आपको डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर आपको लिखना है, लाइन सेगमेंट भी लिखनी है आपको, और लाइन भी लिखनी है और रे भी लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छा, लाइन सेगमेंट आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ए बी गिवन है, जो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये ए बी, ये लाइन सेगमेंट में आ जाएगी। बी सी भी आपकी लाइन सेगमेंट है, इसमें देखें कोई भी एरो नहीं है, ये आपकी लाइन सेगमेंट है। लाइन ए डी, ए डी भी आपकी एक लाइन आ गई, और आपकी रेज जो है वो बी सी, जिसके अंदर एरो बना हुआ है बेटा, ये वाली, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम आप बनाएंगे इंटरनेट पेज पे, और तमाम चीज़ें जो इसके अंदर वीडियो में गिवन है, ये आप लाइन वाले पेज पे लिख दिएगा। इसके बाद बेटा आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक वर्क गिवन है, तो ये भी आपके इसमें आंसर लिखे हुए हैं। ये वर्क आप 157 पेज से राइट डाउन करेंगे, और ये आप इसमें ऑप्शन लिख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मिस सईदा, आई टेक योर मैथमेटिक्स क्लास। दिस इज न्यू काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 6। ये बेटा 6 क्लास की न्यू काउंटडाउन बुक है। अच्छा, इसमें आपका क्योंकि मंथ ऑफ मे में वर्क नहीं हुआ, तो उसका आपको वर्क जो है डाउनलोड किया जा रहा है, और इसमें मैं आपको ज्योमेट्री का चैप्टर 10 वो उसका वर्क मैं आपको समझा भी देती हूँ, और इसमें आप लोग फिर अपनी कॉपी डाउन कर दीजिएगा इस वर्क को।